इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे पंजाब के नाभा रियासत की कहानी। पंजाब में कई रियासतें हुआ करती थी, जिनमें से प्रमुख थी पटियाला और कपूरथला। नाभा रियासत जो है वो पटियाला और कपूरथला की तरह बहुत हाई प्रोफाइल या अमीर या ताकतवर नहीं थी, पर आज का जो पंजाब है, जिसे हम ईस्टर्न पंजाब कह सकते हैं, उसके इतिहास में नाभा राज परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नाभा राज परिवार जो है वो फूलकिया मिसल से ताल्लुक रखता है। अब ये फूलकिया मिसल क्या थी? अराउंड 18वीं शताब्दी में, जब बादशाह औरंगजेब के निधन के बाद जब मुगल साम्राज्य टूटने लगा, तो पंजाब में जो अलग अलग सिख क्लैंस थे, उन्होंने अपने अपने राज्य या प्रिंसिपैलिटी स्थापित की। फॉर एग्जांपल, जैसे महाराजा रंजीत सिंह थे, वो एक अलग मिसल से थे। अमृतसर पर भांगिया मिसल का राज हुआ करता था। कपूरथला जो था वो अलूवालिया मिसल के अंडर आता था। तो वैसे ही ये जो दक्षिण पंजाब का और काफ़ी हरियाणा का जो काफ़ी भाग है, वो फूलकिया मिसल के अंडर था। फूलकिया मिसल के संस्थापक थे चौधरी फूल सिंह, उन्हीं के नाम से इस मिसल का नाम पड़ा। और उनकी राजधानी थी बरनाला, और आगे चल के उनके वंशजों ने अलग अलग राज बनाए, जिनमें से सबसे प्रोमिनेंट थे बाबा आला सिंह, जिन्होंने पटियाला या आला का शहर, जो आगे चल के पटियाला रियासत बना, उसकी स्थापना की। जिंद या जींद, वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट फूलकिया रियासत थी। और तीसरी थी नाभा। नाभा की स्थापना 1755 में राजा हमीर सिंह ने की थी। राजा हमीर सिंह जो थे वो चौधरी फूल सिंह के ही वंशज थे, और तब तो ये जो सारा इलाका था वो मोस्टली गांव हुआ करते थे, जिनमें बेसिक फोर्टिफिकेशंस हुआ करते थे। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान काफ़ी चर्चा में है, और इतिहास में नाभा का इनडायरेक्टली अफगानिस्तान के इतिहास के साथ एक संबंध रहा है। अब फॉर एग्जांपल, आज का जो अफगानिस्तान है वो उन टेरिटरी से बना हुआ है जिसे अहमद शाह अब्दाली ने कॉन्कर किया था, और आगे चल के वो अफगानिस्तान बना। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि कश्मीर और पंजाब भी अहमद शाह अब्दाली के किंगडम के अंडर आते थे। और जब अहमद शाह अब्दाली ने कई बार पंजाब पर हमला किया, यहाँ पे कत्लेआम किया, गोल्डन टेंपल जो अमृतसर का है उसे डायनामाइट से उड़ा दिया, तो उन्होंने एक गवर्नर रखा था जो सिरहिंद से गवर्न किया करता था, जिसे जैन खान सिरहिंदी कहा जाता है। और 1760s में जितने भी ये जो सिख वॉरियर्स थे, जैसे कि पटियाला के रूलर, फिर नाभा के राजा हमीर सिंह, उन सब ने मिलकर एक कॉन्फेडरेसी बनाई और द बैटल ऑफ सिरहिंद में जैन खान सिरहिंदी को हरा दिया, और सिरहिंद पर सिखों का कंट्रोल हुआ, और तब अहमद शाह अब्दाली का राज जो है वो पंजाब पे ख़त्म हो गया। और इट्स अ वॉट ऑफ हिस्ट्री कि अगर ये राज खत्म नहीं होता तो शायद आज पंजाब और कश्मीर अफगानिस्तान का पार्ट हो सकते थे। उसके बाद जो राजा हमीर सिंह हैं, उन्होंने जो नाभा रियासत है उसे काफ़ी एक्सपांड किया, उन्होंने अपने टेरिटरीज बढ़ाए। पर जैसे इंडियन सिस्टम में होता है कि आप बाहर वालों से जितना भी लड़ाई कर लो, पर सबसे ज़्यादा झगड़े तो आपके अपने रिलेटिव्स से ही होते हैं। तो वैसे ही जो जींद के जो राजा थे, जो उसी परिवार से थे, फूलकिया डिस्टेंट रिश्तेदार थे, चौधरी फूल सिंह के ही वंशज थे, तो जो जींद के राजा थे, राजा गजपत सिंह, उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज लेकर नाभा पर हमला कर लिया। और जो संगरूर, आज का जो संगरूर टाउन है पंजाब का,
उसे अनेक्स कर लिया और काफ़ी जो टेरिटरीज थी नाभा की उसे कैप्चर करके राजा हमीर सिंह को बंदी बनाकर वो जिंद ले गए। और काफ़ी साल तक जो राजा हमीर सिंह है वो बंदीवास में रहे जींद में, और उनके एब्सेंस में उनकी जो वाइफ थी जिन्हें रानी देसु कहा जाता था वो बहुत ही केपेबल रानी थी, और उन्होंने फिर नाभा राज की बागदौड़ संभाली। आगे चल के जो राजा हमीर सिंह के जो बेटे थे राजा जसवंत सिंह, उन्होंने लड़ाइयाँ की जींद के साथ की जो टेरिटरीज थी उसे वापस लेने के लिए। पटियाला ने भी काफ़ी हमले किए थे और उनकी काफ़ी टेरिटरीज कैप्चर की थी नाभा की, पर अनफॉर्चुनेटली संगरूर जो है वो नाभा के राजा वापस कभी कैप्चर नहीं कर पाए, और आगे चल के संगरूर जिंद रियासत की राजधानी बनी। नाभा रियासत की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एक राजा होता है वो प्रो ब्रिटिश होता है, एक राजा होता है वो एंटी ब्रिटिश होता है, तो ये हमें नाभा रियासत में काफ़ी देखने को मिलता है, दिस प्रो ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश बिहेवियर। तो राजा जसवंत सिंह जो थे वो 1783 में नाभा के राजा बने थे, उन्होंने अलायंस किया अंग्रेज़ों के साथ। अब ये वो समय था जब मराठों की ताकत थी और दिल्ली पर दौलत राव सिंधिया का कब्ज़ा था, और यशवंत राव होलकर इंदौर के, उन्होंने एक बहुत लड़ाइयाँ की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक गुरिल्ला वॉरफेयर के टाइप पे, और इंदौर छोड़कर वो लड़ते 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 उत्तर भारत में आए थे, और फिर यहाँ पर पंजाब में जब यशवंत राव होलकर आए तो जो नाभा के जो राजा हैं उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया होलकर कंटिंजेंट को हराने में, और फिर आगे चल के यशवंत राव होलकर को महाराजा रणजीत सिंह ने पनाह दी लाहौर में। तो ये हमें देखने को मिलता है कि नाभा के अब अंग्रेज़ों के साथ जो एक नई पावर और जो पंजाब में अभी अपनी पैर फैला रहे थे वो एक ताकत बनकर उभरे थे, और एक दे बिकेम अलायंस पार्टनर्स ऑफ द ब्रिटिश। इंटरेस्टिंगली जो पहला एंग्लो अफगान वॉर है जब अंग्रेज़ों ने काबुल पर हमला किया था और फिर उनकी भारी हार हुई थी और एक रिट्रीट करनी पड़ी थी, वो जो डिजास्ट्रस फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर था उसमें भी नाभा ने बहुत अंग्रेज़ों की मदद की थी और उन्हें एक रसद दी थी, सपोर्ट दिया था। तो ये एक और एक अफगान कनेक्शन है नाभा और नाभा राज परिवार और अफगानिस्तान का। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जब गोरखा एंग्लो गोरखा वॉर हुआ था तब राजा जसवंत सिंह ने इवन गोरखास के खिलाफ अंग्रेज़ों की काफ़ी मदद की थी, और उन्हें एक क्योंकि कैसा था कि अगर आपको दिल्ली से आगे ट्रूप्स भेजने हैं, हरियाणा से आपको ट्रूप्स भेजने हैं, तो तब नाभा का इलाका आता था, तो एक जैसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ लॉजिस्टिक्स, तो लॉजिस्टिक्स का बहुत महत्व रहता है। तो इसीलिए नाभा का एक ब्रिटिशों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध रहे। तब पंजाब में अब 1800s और 1840s के बीच में और एक पावर उमड़ रही थी सतलुज के उस तरफ, वो थी महाराजा रणजीत सिंह और उनका जो खालसा एम्पायर था वो, और जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो एक एक करके जितने भी छोटे छोटे सिख राज्य थे वो अपने एम्पायर में मिला रहे थे। तो ये जो पटियाला और कपूरथला और ये जो बाकी रियासतें थी उनको एक थ्रेट लगा कि महाराजा रणजीत सिंह हमारी भी राज्य मिला लेंगे उसमें, तो इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ों को अप्रोच किया, और महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में एक ट्रीटी हुई कि सतलुज की जो महाराजा रणजीत सिंह है वो सतलुज के इस पार जैसे कि फरीदकोट, मलेरकोटला, ये जो सारी रियासत है उनको तंग नहीं करेंगे और वो सतलुज के उस साइड पे ही रहेंगे, तो एक ट्रीटी हुई थी। तो इंटरेस्टिंगली जब पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो खालसा राज है महाराजा रणजीत सिंह के बाद जो वहाँ पे जो जिन्होंने ताकत संभाली थी,
तो तब ज़्यादातर ये जो रियासतें हैं जैसे कि पटियाला, जींद एंड ऑल, उन्होंने अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। पर राजा देवेंद्र सिंह जो नाभा के राजा थे उस समय, उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह एज इन सिख दरबार का, खालसा दरबार का साथ दिया। तो और उनका साथ देने में वो एकमेव राजा थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों का काफ़ी गुस्सा था उन पर, और अंग्रेज़ों ने ऑलमोस्ट 25% ऑफ द रियासत, एक चौथाई रियासत नाभा की जब्त कर ली। और कुछ ही सालों में जो राजा देवेंद्र सिंह हैं उनको गद्दी से हटा दिया गया और उन्हें मथुरा भेज दिया गया 50,000 की पेंशन पर, और फिर आगे चल के उन्हें लाहौर में रहना पड़ा। अब राजा देवेंद्र सिंह को हटाने के बाद राजा भरपूर सिंह जो नाभा की गद्दी पे बैठे, वो टोटली प्रो ब्रिटिश थे। और 1857 में जब बगावत हुई और काफ़ी जगह पे विद्रोह हुआ, तब राजा भरपूर सिंह ने अंग्रेज़ों का बहुत, जैसे पटियाला के राजा थे वैसे ही जो नाभा के राजा ने बहुत इम्पोर्टेंट साथ दिया। अब उस समय आप सिचुएशन देखिए कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर के अंडर एक बहुत बड़ी बगावत हो गई थी, दिल्ली अंग्रेज़ों के हाथ से निकल गई थी, और लाहौर और दिल्ली के बीच में जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन था वो पटियाला नाभा से गुजरता था, और अंग्रेज़ों को अगर दिल्ली रिकैप्चर करनी थी तो लाहौर से उन्हें ट्रूप्स भेजने भेजना बहुत ज़रूरी था। हम जानते हैं कि अजनाला जो अमृतसर के पास है, वहाँ पे 1857 में रिवोल्ट हुआ था, वैसे ही जलंधर में भी बड़ा रिवोल्ट हुआ और अंग्रेज़ों के खिलाफ म्यूटिनी हुई, और जलंधर के जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको कुचलने में जो नाभा की जो फौज थी उन्होंने अंग्रेज़ों को मिलकर वो उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, उसे कुचल दिया जो जलंधर का रिवोल्ट है, और फिर आगे चल के दिल्ली पर जो दिल्ली फिर से जीतने में पटियाला के राजा के साथ नाभा के राजा का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान रहा। उसके वजह से 1857 के बाद अंग्रेज़ों की एक बहुत अच्छी, हम कह सकते हैं, मर्जी हुई राजा भरपूर सिंह और उनके वंशजों पर, उन्हें ऑनर्स दिए गए, उन्हें उनका जो कर्जा था वो माफ़ कर दिया गया, और नाभा का एक हाई स्टेटस था अंग्रेज़ों के आँखों में। और बाद में 1870s में नाभा के राजा बने सर हीरा सिंह। अब सर हीरा सिंह का कार्यकाल नाभा के का गोल्डन पीरियड हम कह सकते हैं। राजा हीरा सिंह जो थे उन्होंने यहाँ पे काफ़ी इमारतें बनाई, यहाँ पे एक मॉडर्नाइजेशन लाया। अभी आज भी देख सकते हैं तो नाभा एक छोटा शहर है, उस टाइम तो ऑलमोस्ट एक ग्लोरीफाइड गांव हुआ करता था, पर राजा हीरा सिंह के टाइम में उन्होंने हीरा महल बनवाया, यहाँ पे कॉलेजेस बनवाए, अस्पताल बनवाए, उन्होंने जो रेलवे है वो यहाँ पे रेलवे में, नाभा में रेलवे लाने में उनका बड़ा योगदान था। जो खालसा कॉलेज है अमृतसर का और जो खालसा प्रेस है लाहौर की, उसे सपोर्ट करने में उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट योगदान किया। फिर उन्होंने ना एक नहर बनवाई जो सिरहिंद कनाल, जो नाभा और सराउंडिंग एरियाज को पानी प्रोवाइड किया करती थी, और उसकी वजह से क्या हुआ, एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया पंजाब में। आज हम पंजाब को देखते हैं तो हमें लगता है कि खेत और ग्रीनरी और पैडी और चावल की फसल, और पर उस समय अभी लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता कि उस समय सिचुएशन बहुत अलग थी, पानी इतना नहीं था। ये पिछले जो 150 साल में इरिगेशन का काम हुआ है उसकी वजह से आज पंजाब एग्रीकल्चर में इतना समृद्ध है, पर उस टाइम पे तो बीर हुआ कर, जंगल हुआ करता था, ग्रासलैंड्स हुआ करती थी, पानी इतना अच्छा नहीं था। तो या एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस नाभा को बनाने में राजा सर हीरा सिंह का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा। इंटरेस्टिंगली जब सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ, तब जब ब्रिटिश फौज अफगानिस्तान गई तो उन्हें सपोर्ट करने में नाभा ने काफ़ी रसद दी, आदमी दिए, तो ये और एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है अफगानिस्तान के साथ नाभा का।
जो राजा सर हीरा सिंह हैं उनका निधन 1911 में हुआ और गद्दी पर आए उनके बेटे महाराजा रिपुदमन सिंह। अब राजा रिपुदमन सिंह आज के पंजाब के सबसे इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स में माने जा सकते हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब भारत के राजाओं की बात होती है, फ्रीडम फाइटर्स की बात होती है, तो हम यू नो मे बी सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के हो या शाहू महाराज कोल्हापुर के हो या गंगा सिंह बीकानेर के, उनकी बात करते हैं, पर पंजाब के राजा रिपुदमन सिंह का योगदान भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अब उनका योगदान समझने के लिए हमें पंजाब का सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन समझना बहुत ज़रूरी है। अब उस समय जो सिख जो थे वो पंजाब में एक माइनॉरिटी थे, इट वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस जो लिटरली पेशावर से लेकर कांगड़ा से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। जो सिखों की जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो भी बहुत, वो एक अग्रेरियन कम्युनिटी थी, एजुकेशन में वो बहुत पिछड़े थे, इंडस्ट्री में भी वो बहुत पिछड़े थे, तो वो एक बहुत ही एक गरीब और बैकवर्ड कम्युनिटी, अग्रेरियन कम्युनिटी थी उस समय। उनके जितने भी जो गुरुद्वारे थे वो महंत कंट्रोल किया करते थे और वहाँ पर जो अलग अलग प्रैक्टिसेस हुआ करती थी कुछ कुछ में काफ़ी करप्शन आ गया था, हम ये कह सकते हैं कि जो सिख धर्म है और जो गुरुद्वारे हैं उनमें एक करप्शन ओवर द टाइम एक आ गया था। तो उस टाइम पे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक जो एजुकेटेड क्लास है सिखों का, उनमें एक अवेयरनेस आई और एक एजिटेशन आया एंड ऑल। और जो रिपुदमन सिंह थे, जब वो राजा भी नहीं बने थे, वो एक बहुत एजुकेटेड आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, और उनका जो भारत का जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके साथ उनका एक लगाव था और जो सिख कॉज है उसके साथ उनका एक इम्पॉर्टेंट लगाव था। वो 1906 टू 1908 वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे थे, तो एक ही वॉज अ मैन विद अ विजन, मैन विद अ वर्ल्ड व्यू। अब जब वो गद्दी पे आए तब दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट टर्बुलेंट टाइम्स इन सिख हिस्ट्री। जो सिख है उन्होंने, जिसे सिंह सभा एजिटेशन कहा जा सकता है और एक अकाली एजिटेशन, तो अकाली जो मूवमेंट है वो उस समय आया कि टू लिबरेट जो सिख रिलीजियस प्लेसेस हैं, आनंदपुर साहिब हो, पंजाब का हरमंदिर साहिब हो, तो ये सारे जो गुरुद्वारे हैं वो महंत के कंट्रोल से हटाकर जो सिख कम्युनिटी में वापस उन्हें वापस उनके कंट्रोल में आए, तो ये एक एजिटेशन हुआ। और महाराजा रिपुदमन सिंह थे वो ये जो अकालीज के और सिख कॉजेस के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया। नॉट ओनली दिस, जो फ्रीडम मूवमेंट था वो लाला लाजपत राय के बहुत क्लोज मित्र थे और उन्हें सपोर्ट किया करते थे, और सिख जो फ्रीडम मूवमेंट के जो कॉजेस थे उन्हें सपोर्ट किया करते थे। इसके अलावा तो यू नो उनका जो एंटी ब्रिटिश बिहेवियर था वो बहुत प्रोमिनेंट था। फिर जब पहला विश्व युद्ध हुआ तब ये जो जितने भी पटियाला एंड ऑल पूरे पंजाब में इनफैक्ट एक रिक्रूटमेंट ड्राइव हुआ कि जो यहाँ पे जो लोग हैं, जो यंग मैन हैं, उन्हें रिक्रूट करके वॉर में अंग्रेज़ों के साथ यू नो यूरोप भेजा जाए लड़ाई करने के लिए, जबरन उन्हें फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हुआ करता था। यहाँ से जो धान है, मटेरियल है, वो सारा यू नो अंग्रेज अपने वॉर एफर्ट के लिए लिया लेकर जाया करते थे, और पटियाला और ये जो बाकी रियासतें हैं, काफ़ी रियासतें, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया वर्ल्ड वॉर वन में। पर नाभा एकमात्र शायद यू नो अगर आप देखें तो एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने कहा कि, अंग्रेज़ों से कहा कि नहीं, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट आर वॉर, हम इंडियंस का लाइफ बेटर करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से एक अंग्रेज़ों की काफ़ी नाराज़गी थी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब एक गदर कॉन्स्पिरसी करके एक रेवोल्यूशनरीज की एक कॉन्स्पिरसी थी कि हम पंजाब में उठाव करेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उसका भी समर्थन राजा रिपुदमन सिंह ने किया था। और जो ये जलियांवाला बाग का जो हॉरिफिक मैसेकर है जो जनरल डायर ने किया था, तो उसके बाद
यू नो राजा दिलीप दमन सिंह ने बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया, और वो इसका प्रोटेस्ट करने वाले पंजाब के एकमात्र राजा थे। इनफैक्ट महाराजा भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला जो है, उन्होंने अंग्रेज़ों का और सर माइकल ओ'डायर है उनका समर्थन किया था ये जो एक्शन का। इनफैक्ट जब लोग पैसे इकट्ठा कर रहे थे जो जलियांवाला बाग विक्टिम्स के लिए, तो पटियाला ने उस पर रोक लगाई थी। तो इसकी वजह से जो कजिन्स हैं महाराजा रिपुदमन सिंह ऑफ नाभा और महाराजा भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला, उनमें बहुत एक डिस्प्यूट हो गया, काफ़ी झगड़ा हो गया। बिकॉज जो पटियाला महाराजा है वो प्रो ब्रिटिश थे, और जो नाभा महाराजा है वो प्रो बहुत प्रो इंडियन थे, और उसकी वजह से 1923 में महाराजा रिपुदमन सिंह को अंग्रेज़ों ने गद्दी से हटा दिया। बात यह है कि इसके बाद रिपुदमन सिंह को अंग्रेज़ों ने पहले देहरादून और फिर बाद में कोडाई कनाल में रखा था। महाराजा रिपुदमन सिंह से जुड़ी हुई और एक बहुत इंटरेस्टिंग साइड कहानी यह है कि उनके पास एक गाड़ी थी जो उन्होंने एक अंग्रेज़ से ली थी। वो एक पूरे स्वान हंस की शेप में थी, और जिसे स्वान कार ऑफ नाभा कहा जाता था। और जब वो गाड़ी कलकत्ता के सड़कों पर जाती थी तो कहानी यह है कि वो एक सोने का अंडा छोड़ती थी, और पूरा कलकत्ता में रायट्स होते थे वो सोने का अंडा, तो लोग भागते थे उस गाड़ी के बीच में। ये जो स्वान कार है वो एक्चुअली है, आज वो एम्स्टरडैम के एक म्यूजियम में है, और आज भी उसे स्वान कार ऑफ नाभा के नाम से ही वो फेमस है। और तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है महाराजा रिपुदमन सिंह को लेकर। और महाराजा रिपुदमन सिंह गद्दी से हटने के बाद उनके बेटे महाराजा प्रताप सिंह गद्दी पर बैठे। वो फिर से प्रो ब्रिटिश थे, वो अपने पिता से अलग थे। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेज़ों की मदद की, और जनरली उन्होंने एक प्रो ब्रिटिश स्टांस अपनाया। तो महाराजा प्रताप सिंह जो थे उन्होंने 1947 में अपनी रियासत भारत में विलीन कर दी, और आगे चल के पटियाला, कपूरथला, फरीदकोट ऐसी रियासतों के साथ जुड़कर वो पिप्सू यूनियन PEPSU पटियाला एंड ईस्ट पंजाब प्रिंसली स्टेट्स यूनियन में वो मिल गए। आज नाभा जो है वो एक छोटा सा शहर है पंजाब में। नाभा राज परिवार अब नाभा में नहीं रहता है, वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर किला है, यहाँ पर महल है जो आज एक स्कूल है। जो रिपुदमन सिंह जो थे वो उनकी दूसरी पत्नी से जो वंशज है वो जो खेमका परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं वो नाभा फाउंडेशन चलाते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं नाभा फोर्ट रिस्टोर करने की, नाभा का इतिहास प्रिजर्व करने की। तो आशा ये है कि नाभा रियासत का इतिहास जानने के बाद लोग जो नाभा का जो हिस्टोरिक और प्रिंसली हेरिटेज है उसके कंजर्वेशन में ध्यान देंगे। तो ये थी कहानी नाभा रियासत की।